भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के आए दिन पीएम मोदी को चौकीदार चोर कहने पर जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की मांग की है। इस अवसर पर जिला मीडिया प्रभारी अंकुश दत्त शर्मा की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल ने राहुल गांधी पर चुनाव प्रचार के लिए प्रतिबंध लगाने की मांग की गई। जिला मीडिया प्रभारी अंकुश दत्त शर्मा ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के द्वारा मंच से पीएम मोदी पर चौकीदार चोर है की टिप्पणियां की जा रही हैं, जिसकी भाजपा कड़ी निंदा करती है। उन्होंने बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी राहुल गांधी पर चुनाव प्रचार के लिए प्रतिबंध लगाए ताकि इस तरह का दुर्प्रचार न किया जा सके। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सत्ती के खिलाफ पूर्व डिप्टी एडवोकेट जनरल एवं अधिवक्ता विनय शर्मा ने जो फतवा जारी किया है, ये पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के इशारे पर किया गया है। ये आरोप भाजपा नेता संजय शर्मा ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान लगाए। संजय शर्मा ने कहा कि पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह ये सब एक सोची समझी साजिश के तहत करवा रहे हैं। जिस व्यक्ति ने सत्य के खिलाफ फतवा जारी किया है, वीरभद्र सिंह उसे पूर्व में भी प्रयोग में लाते रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और उनके परिवार के खिलाफ झूठी शिकायतें विजिलेंस में करवाने के लिए भी इस व्यक्ति का प्रयोग वीरभद्र सिंह कर चुके हैं। संजय शर्मा ने कहा कि यही कारण था कि वांछित योग्यता नहीं होने पर भी वीरभद्र सरकार में इस व्यक्ति को डिप्टी एडवोकेट जनरल के पद पर तैनाती दी गई थी। संजय शर्मा ने सवाल किया कि वीरभद्र सिंह ये बताएं, जिस अधिवक्ता का लाइसेंस 1.5 साल के लिए निलंबित किया गया हो, उसे किस मजबूरी में इतने बड़े पद पर तैनाती दी गई थी। संजय शर्मा ने कहा कि वीरभद्र सिंह आज भी लोकतंत्र की बजाय रजवाड़ा शाही में विश्वास रखते हैं। इस मौके पर संजय शर्मा के साथ भाजपा प्रदेश सह मीडिया प्रभारी राकेश शर्मा और मंडलाध्यक्ष धर्मशाला कैप्टन रमेश अटवाल भी मौजूद रहे। संजय शर्मा ने कांग्रेस से सवाल किया है कि क्या ऐसा व्यक्ति कांग्रेस संगठन का हिस्सा है अथवा नहीं है, यदि है तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कांग्रेस क्या कार्रवाई करने जा रही है। उन्होंने पूछा है कि इस तरह की टिप्पणियां करने वाले व्यक्ति के व्यवहार के प्रति कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। मंडी के नाचन वनमंडल की लोधार वनबीट में तैनात वनरक्षक की सड़क हादसे में मौत हो गई है। हादसा गत मध्य रात्रि को हुआ। सुबह लोगों को दुर्घटना का पता चला। वनरक्षक की पहचान हरीश कुमार निवासी नागजला के रूप में हुई है। बता दें कि गत दिवस वह गोहर से 4 व्हीकल से अपने सरकारी क्वार्टर आ रहा था। जैसे ही वह केलोधार के समीप चाहल मोड़ पर पहुंचा तो सड़क से 4 व्हीकल सहित करीब 1 किलोमीटर गहरी डांक में लुढ़क गया। इस बीच वनरक्षक का शव करीब 300 मीटर पहले ही शत विक्षत होकर गिर गया था। घटना स्थल के समीप थरजून गांव के लोगों को घटना का पता सुबह लगा, जब कुछ गांववासियों ने अपने खेतों की ओर रुख किया। पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर दुर्घटना की जाँच शुरू कर दी है। हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष सतपाल सत्ती द्वारा डेरा ब्यास के अनुयायियों और राहुल गांधी पर विवादित टिप्पणी के बाद हिमाचल में सियासी तूफान सुनामी की रफ्तार से चल रहा है। जहां कांग्रेस इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है, वहीं बीजेपी इस मुद्दे से पार पाने की कोशिश में लगी हुई है। शायद यही वजह है कि अब सतपाल सत्ती ने धार्मिक डेरे से संबंधित टिप्पणी के मद्देनजर लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत होने पर खेद प्रकट किया है। उन्होंने इस डेरे की प्रशंसा करते हुए उसके द्वारा प्रदेश में समाज सुधार के कार्य करने की बात कही है। सतपाल सत्ती ने जिला निर्वाचन अधिकारी सोलन द्वारा उनको जारी की गई नोटिस का जवाब देते हुए कहा कि वो मेरी टिप्पणी नहीं थी। उन्होंने इस टिप्पणी को उनके द्वारा जनसभा के दौरान सिर्फ पढ़े जाने का दावा किया है। सत्ती ने इस विषय पर कांग्रेस पर कट एंड पेस्ट क्लिप को प्रचारित किए जाने का आरोप लगाया है।